माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र पांडे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मल्टी स्टेप मेथड्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स. इस डिस्कशन को समझने में जरूरी है कि आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है. इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि आप ग्रेजुएट क्लासेज में इन्हें पढ़ा होगा. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारे टॉपिक में जो सेकंड टर्म है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, पहले इसको जानना जरूरी है कि क्या होते हैं. ए डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद एन इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. जैसे u डैश मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ t एंड u डैश डिनोट्स du अपॉन dt. u डैश इज ए फंक्शन ऑफ t एंड u, इक्वल टू टी एंड यू, एंड वैल्यू ऑफ यू एट टी जीरो इज यू जीरो. तो ये दोनों मिल करके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएंगे. तो इन्हें सॉल्व करने का मेथड हमें ढूंढना है, डिराइव करना है. एक मल्टी स्टेप मेथड, यही आज का टास्क है. एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से तात्पर्य यह होता है कि यू की वैल्यू टी के टर्म में मालूम करना. तो प्रोसीड करते हैं. एक नेचुरल आंसर इसका दिमाग में किसी भी लर्नर को ये आ सकता है कि अगर इसे हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, u डैश इज इक्वल टू एफ टी यू, तो इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए. तो ठीक, हमने इसको इंटीग्रेट किया है इक्वेशन नंबर 1 को, फ्रॉम द लिमिट टी जे टू टी जे प्लस 1. ये टी जे और टी जे प्लस 1 आर्बिट्रेरी टी की वैल्यूज हैं, मेस पॉइंट्स हैं. तो इनके बीच हमने इंटीग्रेट कर दिया. u डैश का इंटीग्रल यू हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और राइट हैंड का इंटीग्रल इस तरह से बनेगा. ये राइट हैंड का इंटीग्रल हो गया, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये है अपना इक्वेशन नंबर 2. ये कन्वेंशन है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में कि यदि यू टी का फंक्शन है तो किसी पॉइंट टी जे पर या यू की वैल्यू अगर लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं कि यू टी जे इज इक्वल टू यू जे. एफ टी की वैल्यू टी जे पर अगर लिखना है तो एफ जे नहीं. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ब्रेविटी हम इस तरह से यूज करते हैं नोटेशन. अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें टी जे प्लस 1 पर यू की वैल्यू निकल जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एफ टी यू में यू हमें मालूम नहीं है कि क्या है. यू टी का फंक्शन तो है, लेकिन टी का कौन सा फंक्शन है ये ज्ञात नहीं है. दैट्स वाई दिस कैनॉट बी इंटीग्रेटेड. दिस फंक्शन एफ टी यू का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इस फंक्शन को हम पॉलीनोमियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, और इंटरपोलेशन मेथड यूज करके हम इस फंक्शन f को पॉलीनोमियल के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे. तो अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम अप्लाई करें
यदि हमें ये सब मालूम हो, ये ज़ूम कर लें कि टी जे प्लस वन, टी जे माइनस वन, टी जे माइनस टू, इस तरह से टी जे माइनस के माइनस वन, इस तरह से के माइनस के पॉइंट्स पर टी जे माइनस वन से लेकर के टी जे माइनस के माइनस वन, कुल के पॉइंट्स हो गए। अगर इस पर एफ की वैल्यू हमें मालूम हो, ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मालूम होता तो हम एक पॉलीनोमियल बना सकते हैं, इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल। इस तरह से अगर वैल्यू नोन होती जे माइनस के माइनस वन, तो हम पॉलीनोमियल फॉर्म कर सकते हैं न्यूटन्स मेथड यूज करके, और वो पॉलीनोमियल इस तरह की होगी, एफ जे मतलब वैल्यू ऑफ एफ है टी जे, दिस दिस, इस तरह से कुल के टर्म्स इस पॉलीनोमियल में आएंगे। एफ जे फर्स्ट टर्म टी माइनस जे नेबला एफ जे अपॉन एच, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ जे डिनोट करता है। इसी तरह से ये सेकंड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ जे। तो ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, ये पॉलीनोमियल हो गई एफ के, जो इक्विवेलेंट पॉलीनोमियल, ये के माइनस वन डिग्री या के आर्डर की पॉलीनोमियल। अब इस एफ की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में यहाँ रख दें, इसमें तो टू टेक्स दिस फार्म, ये टू ये तीन बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर तीन, जिसमें हमने यू एफ की वैल्यू रख दिया है पॉलीनोमियल फार्म में। अब इस पॉलीनोमियल फार्म को इंटीग्रेट करें, अगर पहला टर्म इसका इंटीग्रेट किया जाए तो हमें इस तरह से, और रेस्ट टर्म मान लीजिए हम नेगलेक्ट कर देते, केवल पॉलीनोमियल का फर्स्ट टर्म यूज करते हैं, तो यू जे प्लस एफ जे, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल टी जे टू टी जे माइनस टी जे प्लस वन, और टी डी टी, ये इंटीग्रल अगर फर्स्ट टर्म को केवल कंसीडर करें, रेस्ट ऑफ टर्म्स आर बीइंग लेफ्ट ओमिटेड, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा यू जे प्लस एफ जे टी टी जे टू टी जे प्लस वन, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू यू जे प्लस एफ जे टी जे प्लस वन माइनस टी जे, दिस इज मेस लेंथ, दो कंसिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की अगर डिफरेंसेज हम एच ले लें, तो दिस इज इक्वल टू यू जे प्लस एच इंटू एफ जे, दिस इज वैल्यू ऑफ यू जे प्लस वन, यू जे प्लस वन की ये वैल्यू निकल आई। ये सेम वही है जो आयलर्स फार्मूला होता है, उसी से इसी पॉलीनोमियल को फर्स्ट टर्म कंसीडर करने पर ये आयलर फार्मूला डिराइव हो जाता है। अगर इसके दो टर्म्स, इसी पॉलीनोमियल के दो टर्म्स हम इंटीग्रेट करें जैसा हमने किया है, तो दो टर्म्स अगर ये इंटीग्रेट होगा, हमारी पॉलीनोमियल थी ये सेकेंड टर्म है टी माइनस टी जे डेल्टा एफ जे अपॉन एच, तो अगर इसको हम कंसीडर करें तो पहला टर्म तो इंटीग्रेट हो चुका है ऑलरेडी, सेकेंड टर्म का इंटीग्रल करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन यूज करके हम इसकी वैल्यू और नेवला एफ जे की वैल्यू रख देंगे,
दिस इज एफ जे माइनस एफ जे माइनस वन, और इस तरह से जो नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा वो ये मिलता है, नेक्स्ट इक्वेशन ये हमको प्राप्त होता है। तो ये इक्वेशन जो है एडम्स बास्कोर्थ मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहलाता है। अगर हम थ्री टर्म्स पॉलीनोमियल के तीन टर्म्स को इंटीग्रेट करें, पहले दो टर्म हमने इंटीग्रेट कर लिया जिससे ये प्रीवियस इक्वेशन मिला था, दो टर्म को इंटीग्रेट करने से ये आया था h बाई टू थ्री इंटू दिस एंड दिस, तो ये दो टर्म का इंटीग्रल हो गया। थर्ड टर्म अगर इंटीग्रेट करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन से और डेल्टा स्क्वायर एफ जे की, नेवला स्क्वायर एफ जे की वैल्यू पुट कर देंगे, नेवला स्क्वायर मतलब बैकवर्ड डिफरेंस का अगेन बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज स्क्वायर मीन्स बैकवर्ड, तो उससे ये फॉर्म आ जाएगा, नेवला स्क्वायर एफ जे की वैल्यू ये आ जाएगी। और अब इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारा इस तरह का एक फार्मूला ज्ञात होता है जिसे हमने इक्वेशन नंबर सिक्स नाम दिया है। इसी को हम एडम्स बास्कोर्थ मेथड कहते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे की जगह में जे प्लस टू रिप्लेस कर दें तो दिस बिकम्स यू जे प्लस थ्री दिस एंड दिस, ये तो ये एडम्स बास्कोर्थ मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर कहलाता है। इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगर जे इज इक्वल टू जीरो रखें तो एफ जीरो एफ वन एफ टू और यहाँ यू टू, इसकी जरूरत पड़ेगी तब यू थ्री ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस मेथड में सीधे, चूंकि प्रॉब्लम में यू जीरो तो दिया गया है, यू वन यू टू नहीं मालूम है, लेकिन इस मेथड से यू वन यू टू नहीं निकल पाएगा, सीधे यू थ्री निकलेगा। तो यू वन यू टू निकालने के लिए कोई और मेथड, सिंगल स्टेप मेथड्स कोई यूज करना पड़ता है, जैसे आयलर्स मेथड या टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड मेथड, रोंगकुटा मेथड, ये सब मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज करके आप यू वन यू टू निकाल लेंगे। अब जब यू वन यू टू निकाल लेंगे तो एफ वन एफ टू भी निकल जाएगा, इस तरह से यू थ्री निकल आएगा। तो इस मेथड में चूंकि प्रीवियस टर्म्स हमें यूज करने पड़ते हैं, एफ जीरो एफ वन एफ टू, ये तीन टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, इसीलिए ये मल्टी स्टेप मेथड कहलाता है। इसको हम मल्टी स्टेप मेथड इसीलिए, या नेक्स्ट स्टेप इससे सीधे नहीं मिलता तो इस कारण से इसे मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं। और इसमें यू वन यू टू अगर हम मालूम कर लें तो यू थ्री की वैल्यू निकलती है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू ज्ञात हो सकती है। कब? जब यू वन यू टू की वैल्यू भी हम किसी अन्य मेथड से ज्ञात कर लें तब। इसी कारण से हम इसको प्रेडिक्टर मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड को समझने के लिए जरूरी है कि एक एग्जांपल कंसीडर करें। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है u डैश टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जीरो पर u की वैल्यू वन दी गई है। तो 0.1 0.2 से लेकर के 0.6 तक ये तमाम पॉइंट्स पर u का मान ज्ञात करना है, मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ज्ञात करना है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। तो u जीरो नोन है, f मीन्स u डैश, f हो जाएगा t स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
एफ जीरो माइनस वन हो जाएगा यू और टी की वैल्यू इसमें रखने पर माइनस वन, लेकिन टी वन मालूम है, यू वन नहीं मालूम। वैल्यू ऑफ यू एट टी वन नहीं ज्ञात है, यू टू भी हमें नहीं मालूम है, तो इस कारण से एफ वन एफ टू नहीं पता चल पाएंगे। तो इन दोनों को, यू वन यू टू को ज्ञात करने के लिए हम वही टेलर सीरीज मेथड या टेलर सीरीज मेथड या आयलर मेथड ये सब यूज करना पड़ता है। तो यू वन यू टू ज्ञात हो जाएगा, तो अब हम एडम बास्फोर्थ मेथड यूज कर सकते हैं। जे इज इक्वल टू जीरो लेकर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब चूंकि यू वन यू टू मालूम हो चुका है तो इसमें पुट कर देंगे, यू थ्री ज्ञात हो जाएगा। यही मल्टी स्टेप मेथड कहलाता है और यही इसका प्रोसीजर है डेरिवेशन का और सॉल्यूशन निकालने का किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। आशा है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा टॉपिक। धन्यवाद।